साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड की अपडेट के साथ एक बार फिर हम आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर हैं। दोस्तों, एक बार फिर हमारी कही गई बात पर पक्की मुहर लग चुकी है। गोपी काका ही अहम जी हैं और साथ ही साथ साथ निभाना साथिया के प्रीवियस वीडियो में हमने आपको जितनी भी अपडेट बताई थी वो आगे आने वाले दिनों में सारी की सारी बातें जो है सच साबित होंगी। और उन्हीं में से एक बात हम आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं कि राशि की वापसी होगी। जी हाँ, राशि की वापसी होगी। अब राशि की वापसी कब होगी और साथ ही साथ गोपी और अहम का मिलन कैसे होगा, ये सारी की सारी बातें हम आपको आज के खास रिपोर्ट में बताने वाले हैं। आज रात के एपिसोड में आप सभी दर्शक देखेंगे और जानेंगे कि गोपी काका ही अहम जी हैं, इस बारे में पता चल जाएगा आप सभी दर्शकों को। और साथ ही साथ बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है। ये सारी की सारी बातें हम आपको आज के इस खास रिपोर्ट में पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी दर्शकों को बताते हैं कि साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड में राशि की वापसी कैसे होगी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आने वाले एपिसोड में गोपी ये बात जान जाएगी और ये बात बताते हुए नजर आएंगी गहना गोपी से कि 5 साल पहले हमें हमारे पास हमारी जिंदगी में आए थे गोपी काका। गोपी काका जो है नदी में बहते हुए हमें पाए गए थे। और ये सारी की सारी बातों को सुनकर और समझकर गोपी को पहले से ही अंदाजा था और साथ ही साथ पहले से ही शक था कि उनकी आंखों के सामने जो गोपी काका हैं वही मेरे अहम जी हैं, क्योंकि गोपी को एहसास हो जाता है। और साथ ही साथ अब जो हैं गोपी जो हैं गोपी काका से मिलने के लिए, यानी कि अहम से मिलने के लिए मंगलवार को जाने का प्लान बनाती हैं, क्योंकि वहां पर मंगलवार को अखाड़े में रहते हैं गोपी काका। और गोपी काका से मिलने के लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड रहती हैं गोपी, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि गोपी काका ही अहम जी हैं। लेकिन उसे ये बात भी समझ में आ गया है गोपी को कि उनकी याददाश्त उनके साथ नहीं है। अब हम आपको बता दें कि आने वाले एपिसोड में क्या गोपी काका यानी कि अहम जी और गोपी के बीच में मिलन होने वाला है? क्या गोपी काका को उसकी सारी की सारी याददाश्त जो है वो वापस आ जाएगी? क्या फिर से वो अहम जी बन जाएंगे? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस साल जो है दिवाली, इस साल दिवाली के मौके पर रश्मि शर्मा खास आप सभी दर्शकों के लिए ढेर सारे सरप्राइज देने वाली हैं। और ढेर सारे सरप्राइज ये हैं कि आप सभी दर्शक देखेंगे कि राशि की वापसी होगी इस दिवाली के मौके पर। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि गोपी और अहम जी के बीच में इतना जल्दी जो है वो नजदीकियां नहीं आने वाली हैं, बल्कि दिवाली तक का आप सभी दर्शकों को इंतजार करना होगा, जहां पर राशि आएंगी और राशि जो है गोपी और साथ ही साथ अहम दोनों के बीच में सारी की सारी जितनी भी दूरियां आई थी वो सारी की सारी दूरियों को मिटाने के लिए आ रही हैं। और साथ ही साथ आप सभी दर्शक जो हैं बहुत सारे सवाल कर रहे थे कि राशि की वापसी कब होगी, राशि कब आने वाली हैं, राशि कब से साथ निभाना साथिया के दूसरे सीजन के स्टारकास्ट को ज्वाइन करेंगी, कब से शूटिंग शुरू करेंगी। तो हम आपको ये सारी की सारी बातें बता चुकी हैं। दिवाली के मौके पर राशि की वापसी होने जा रही है और साथ ही साथ राशि की वापसी के साथ गोपी काका यानी कि अहम जी और गोपी के बीच में मिलन होने वाला है, महामिलन होने वाला है। वेल दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ये सारे के सारे ट्विस्ट आने वाले हैं और आने वाले एपिसोड में आप सभी दर्शक जानेंगे कि सबसे बड़ा गुनहगार कौन है, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और किसके वजह से गोपी काका यानी कि अहम जी को उसकी याददाश्त याद नहीं है। और साथ ही साथ इन दोनों यानी कि गोपी और अहम जो हैं वो बहुत बड़े साजिश का हिस्सा बन गए हैं। जी हाँ, बहुत बड़े साजिश का शिकार हो चुके हैं गोपी काका और साथ ही साथ गोपी बहू। और ये सारी की सारी बातें आप सभी दर्शकों को आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। वेल दोस्तों, आने वाले एपिसोड को आप सभी दर्शक देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है कमेंट के थ्रू आप हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। तब तक ले बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हिंदुस्तान न्यूज़ की रिपोर्ट।